रखूंगा। पहले मैं सुनता था ना आपको, जब मैंने शुरू किया, साल या 2 साल शायद हो गया होगा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आपकी बातों पे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि किसी दिन आपकी मैं स्ट्रीम में आऊंगा और आपसे ऐसे डिबेट करूंगा और हराऊंगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा कि जो आप करते थे बातें टॉपिक्स पे, तो मुझे काफी चीजें उसमें से सही नजर आई जितना मुझे मिला, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इतना ज्यादा मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी इस्लाम की कि ये हदीस नंबर और वो नंबर, बहुत सारी चीजें आप अंदर अंदर की बातें निकाल के लेकर आते थे, जो मैं जितना हो सकता था उतना मैं फॉलो करता था और वो मुझे सब चीजें सही लगती थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से बातें शेयर करना शुरू करी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो फिर मुझसे सब लोग अब अलग हो गए। फिर वो मुझसे सवाल ये करते हैं कि अगर ये खुदा नहीं है तो कौन खुदा सही है। और वो मैंने आपके काफी स्ट्रीम्स में देखा, बहुत सारे लोगों ने आपसे यही वाला सवाल किया, मगर आपने उनको भी आंसर नहीं किया। और वो दोस्त मुझे ये कहते हैं कि ये आदमी सिर्फ इस्लाम के बारे में ही क्यों बुराई वाली बातें करता है, अगर इसका एजेंडा ऐसा है कि सही रास्ता ढूंढो या असली रास्ते को ढूंढो, तो ये सिर्फ एक ही मजहब के बारे में क्यों नेगेटिव बातें करता है। उसका एजेंडा है कोई, या ये लोग स्पेसिफिकली इस्लाम को टारगेट करते हैं, तो वो मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। सर अच्छा सुन रहे हैं आप सर, मेरी बात? सर आपको टाइम जी दिया आपने, कहा मुझे 2 मिनट दे दें, मैं वेट कर रहा हूँ। आप बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं, स्पीड 1.25 कर दें और आ जाएं। क्या खत्म हो गया सवाल? आ गया, यही सवाल है बस आपका? बस यही सवाल। ओके, यही सवाल है। ओके सर, डू यू नो दैट आई सर, नाक से तो पीछे कर रहा हूँ माइक जी। नहीं, अच्छा तो इसका मतलब है कि आपको पता लग गया है कि इस्लाम तो एक झूठा मजहब है, राइट? जी और कह जो कुछ मैं सकते हैं दिखाता हूँ उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके पास और आपके स्कॉलर्स के पास, और फाइनली आपके दोस्तों ने भी आपको छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट आप इस स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी से तो किसी हद तक बाहर निकल गए, में किसी हद तक एटलीस्ट जी, आप कह सकते हैं। हाँ बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, अब दूसरी बात का जो आप, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा आपको पता है ना कि मैं तो क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ, ये बात तो आप मानते हैं ना? मैंने किसी को चीज छुपाई हुई दी रखी हुई, एक दफा फिर से सर कहेंगे, वो आपका वर्ड मिस हो गया। थोड़ा आपको पता है ना कि मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ और ये बात छुपी ढकी नहीं है, मैंने किसी को बहुत नहीं ये बात मुझे छुपाई हुई। थोड़ा बहुत मुझे हिंट लगा कि आप हिंट हिंट नहीं लगा, मैंने क्रिश्चियनिटी कभी को फॉलो छुपाई नहीं है करते बात, ये ओपन बात है, ठीक हैं। है? अच्छा एवरीबडी नोज दैट, चलो ठीक है, ठीक फिर है? मैंने वो वाली स्ट्रीम मिस कर दी होगी या वाला पार्ट वो नहीं वाली मिस क्या कर सर, दिया हर होगा स्ट्रीम में आपने। होता है कोई ना कोई मुसलमान आता है और वो बाइबल के ऊपर अटैक करता है मेरे सामने आके, और मैं बताता हूँ कि भाईजन पास्टरों के पास जाएंगे काम जी करने के जी लिए, मेरा यहाँ पे काम एक स्पेसिफिक है, पोलेमिक्स अबाउट इस्लाम। ओके नाउ, अब चूंकि अगर आपको मैं ये बता दूं कि यार इसको फॉलो कर लो, तो क्या आप आंखें बंद के फॉलो कर लेंगे? नहीं करेंगे ऑब्वियसली, राइट? अगर आपके पास दिमाग है तो, करेक्ट? जी ओके, फिर आप क्या करेंगे? आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको कुछ जवाब दूंगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाएंगे और उसके एंटी चैनल्स पे जाएंगे और कुछ सुनेंगे और फिर मेरे पास आएंगे और फिर आप कहेंगे यार तूने गलत बताया था, करेक्ट? हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, मैं क्या कहता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए ये पूरा सर्कल चलाता ही नहीं, राइट? मैं सही कहता हूँ यार जाओ जाके पढ़ो। आप लोगों को आज तक मुल्लाओं ने बेवकूफ और जाहिल बनाया, आप क्यों चाहते जी हैं कि मैं भी आपको एक खिलौना दे दूं और कहूं यार इसको फॉलो करो? व्हाई नॉट इसके मैं आपको कहूं कि यार जाके पढ़ो और अगर कोई क्वेश्चन आया तो बता देना, अगर उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा तो भाई पास्टरों के चैनल्स पढ़े हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ चले जाओ और उनसे जाके पूछ लो। इस क्या ये एक बेहतर तरीका नहीं है कि बजाय इसके कि मैं आपको फॉलोअर बनाऊं अपना, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं जो कि होनी चाहिए हर किसी के पास, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चूजिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं आपको एक फ्रीडम दे रहा हूं कि जाओ यार जाके पढ़ो। मैं तो हर जी बंदे को इम्पावर करना चाहता हूं कि वो जाके पढ़े, समझे और अपनी समझ बूझ से देखे कि यार क्या मुझे इस पर्सनैलिटी को फॉलो करना चाहिए या किसी और पर्सनैलिटी को फॉलो करना चाहिए। इज दैट
नॉट बेटर थिंग टू डू रादर देन मैं आपको कहूं नहीं उसी चीज को फॉलो करो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं? नहीं, आपका तरीका मुझे बेहतर लगा। तो सर यही मैं हर किसी को कहता हूं, अब इसमें गलत क्या है? नहीं ठीक है, गलत नहीं। तो सर बस मसला ये है कि जो आपके मुसलमान दोस्त हैं वो बायस्ड हैं मेरी तरफ से, क्योंकि वो मुझे जवाब नहीं दे सकते, उनके पास इन चीजों का सवालों का मेरे सवालों का जवाब नहीं है, और जो जवाब है वो मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे दिखा के रेफरेंसेस, सो हेंस दे आर बायस्ड अगेंस्ट मी, लिहाजा वो ऐसी बात करते हैं अपनी बायसनेस के अंदर। अदरवाइज मैं खुली किताब की तरह ओपन फ्रीडम सबको देता हूँ, यार जाओ जाके पढ़ो यार। सही सही सर, एक बात मेरी उनसे और डिस्कशन हुई थी, जैसे मैंने आपकी स्ट्रीम में देखा था, मुझे ये तो पता पता पहले पता ही नहीं थी बात कि जो मुर्तिद हो जाता है उसको सजा मौत की सजा, उसको पनिशमेंट है 3 दिन के बाद उसको मारने का हुक्म है इस्लामी शरीयत। सर माइक थोड़ा सा मुंह के पास करें लेकिन सांस से दूर रखिएगा जी, एक सेकेंड। जैसे मैंने आपकी स्ट्रीम में देखा था कि जो मुर्तद हो जाता है उसको सजा मौत की वो पनिशमेंट है, तो उस पर मेरे डिस्कशन हुई, तो वो मुझे ये कहते हैं कि सजा मौत का नहीं है जब तक वो आदमी इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपोगंडा ना करे, अगर वो चुपचाप साइड पे हो जाता तो उसको नहीं है सजा। वो कुरान का मुझे वो आयत दिखाते हैं। अच्छा सर बात ये है, कुरान मैं बता देता हूँ मैं कहां से देता सर, जो चुपचाप साइड पे हो जाएगा आपको कैसे पता लगेगा वो मुर्तद हो गया? चुपचाप साइड पे ये मतलब ये हो जाए कि वो बता दे, ऐलान कर दे, मगर अगेंस्ट नहीं ना, ऐलान नहीं, ऐलान किया तो खत्म हो गया ना गेम सर, यही तो कह रहा हूँ, ऐलान कर दिया तो खत्म हो गया, ऐलान करना ही कुफर है, कुफर का ओपन प्रचार करना ही खत्म कर दिया। अब आप मौत के घाट उतारना आपको, क्योंकि उसने जमीन में अल्लाह और के रसूल के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, कुरान चैप्टर 5 वर्स नंबर 34, अल्लाह और उसके रसूल के सामने खड़ा होकर उसका दावेदार बन गया है कि मैंने इसको जुटला दिया। चुपचाप साइड पे हो जाएगा मतलब ये है कि किसी को बताए ना। सर अगर चोर चोरी करे और किसी को बताए ना तो क्या आप उसे जेल में डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई जब तक बंदा अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि वो मुर्तिद हो गया है, तब तक मन बदला दीन हु फाक्तुलू की शरा उसके ऊपर नाफिज नहीं होती। ठीक है, तो भाई उसको अपने मुंह से इकरार करना है पब्लिकली कि मैं दीन इस्लाम से इनराफ कर दिया है, उसके ऊपर सवाल आएगा क्यों किया है, जरा करेंगे, वो कहेगा इस वजह से है कि अल्लाह ने मुझे अल्लाह की सच्चाई नजर नहीं आ रही, ये अल्लाह के खिलाफ लड़ाई हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन, बाय बाय, उसके हाथ पांव काट दो, उसको सलीब पे चढ़ा दो, मुल्क बदर कर दो। ये आपकी कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 है भाई जान। देखिये जमीन अल्लाह के खिलाफ, युहारिबून अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह के खिलाफ जंग आप कैसे लड़ सकते हैं? व्हेन यू से कि अल्लाह गलत है, अल्लाह को तो देखा किसी ने नहीं है, अल्लाह तलवार लेके आता है कि आप उसे लड़ाई कर लेंगे? जो हारी पूना हुआ अल्लाह के साथ हर्ब, किसे कहते अल्लाह के साथ हर्ब? अल्लाह को रिजेक्ट करने को। सो अगर वो पब्लिकली अनाउंस कर देगा उसके ऊपर अटैक है, उसके लिए फिर आपके पास आ जाएंगे तीनों फिका। इमाम शाफी को मानने वाले कहेंगे 3 दिन दे दो इसको, समझाओ बुझाओ, नहीं मानेगा तो कर दो। इमाम अबू हनीफा और मालिकी आएंगे, वो 3 दिन को 3 हफ्तों या 3 महीनों में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। और फिर एक जो है वो कहता है नहीं यार 3 का कुछ आंसर नहीं है, जो भी वक्त का हुक्मरान या मौलवी उस वक्त कहे उतने दिन उसको दे दो, उसके बाद उसको फाइल लगाना। तो बेसिकली अगर आप ये कहते हैं ना ओपनली प्रोक्लेम ना करे, तो भाई फिर आपको पता ही नहीं है कि वो इस्लाम छोड़ चुका है, तो उसे सजा कैसे दोगे? वैसे मेरा जो हुआ था, मतलब जिस पे मैंने सोचना शुरू किया, वो स्लेव सेक्स वाला था और वो जिहाद और ये सब कुछ था, तो उस वक्त से फिर मुझे दिमाग में ये बातें आने लगी कि किसी को मारना, जो वो बंदा अपना फॉलो रिलीजन कर रहा है आप उसमें एग्जाम्पल चढ़ गए कि उसको जजिया दो या मारो या दर बदर करो, तो वो चीज़ें वजह से ही मैं
सोचने पर मजबूर हुआ, मुझे अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लगा आपको, बिल्कुल सही लगा और लगना भी चाहिए था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो हैं वो सोचने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोचने लगेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप इसके अंदर रह सकें। तो आई एम ग्लैड। तो वंस अगेन आपके लिए भी यही है, जाके देखिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए, आप खैर से बाहर निकल आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, जितना मैंने देख लिया ना अभी तक, तो मुझे सारी बातें आपकी सही लगी। एक ना एक तरीके से, या कभी उनका वो इमाम शाफी है, देवबंदी है, ये है, चार पांच चीजें हैं इनकी, तो वो पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं, मगर जो आप बोलते हो वो कहीं ना कहीं से मुझे उसका इनडायरेक्टली मुझे मिल जाता है कि हाँ यार, ये बंदर सही बोल रहा है। तो अब मैं जब किसी से भी बात करता हूँ, मुझे एक तो डर लगता है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता इस बारे में। अब किसी दोस्त से बात करता हूँ जिसमें भरोसा करता हूँ, तो वो मुझसे पीछे हट जाता है, कोई मुझे ब्लॉक कर देता है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, या फिर वो मतलब फिर वो जो एक बात होती है ना, दिल की बात, वो फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर अब अभी मैंने अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी अम्मा को बताया, मेरी अम्मा मुझे लगती है वो समझती है कि मुझे कोई भड़का रहा है, मेरा कोई माइंड वॉश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो फिर बंदा फिर अब इसमें अपना काम धंधा पूरे करे, अपनी जिंदगी पूरी करे, लाइफ के साथ चले, ऐसे कमाए, या इन सब चीजों में लगे, कैसे करे फिर? देखिए भाई, आपने फॉरएवर तो ये करना नहीं है, आपने अपने लिए करना है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने मिशन उठा लिया, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोगों ने, हमने तो मिशन उठा लिया ना, ठीक है। मिशन उठाना और आपके तरीके से करना दो डिफरेंट चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट एंड द अदर्स आर इनकरेक्ट। वंस यू हैव दैट इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, बाकी चीजों को रीड करना शुरू करें, ठीक है। उसके लिए दिन का एक घंटा भी निकाल लें तो काफी है, 24 घंटे में से एक घंटा दे दें। आपको किसने कहे कि 24 घंटे ये काम करते रहें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अपना ख्याल रखिएगा सर। बाय द वे दोस्तों, यार भाई के लिए फ्लावर्स भेजें यार, प्लीज, ढेर सारे फ्लावर्स। देखें लोगों ने पहले फ्लावर्स मेरे कहने से पहले भेजने शुरू कर दिए हमें, तो ये भाई आपके लिए, देखें सब लोग फ्लावर्स भेज रहे हैं, ये देखिएगा, शुक्रिया सब लोग फ्लावर्स भेज रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और आप हमें 4 साल से सुन रहे हैं और आई एम ग्लैड, 2 साल से कि आप 2 साल से, थैंक यू, 2 साल से, 4 साल वो वाजिद भाई कह रहे थे, तो थैंक यू सो वेरी मच कि एटलीस्ट आपको समझ आना शुरू हुआ है और आपने वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है। सर थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर। सर आप भी बहुत ख्याल रखिएगा, कभी इंशाल्लाह कभी फिर अगर मुझे कभी बात करने का हुआ तो मैं जरूर आपकी स्ट्रीम में आऊंगा। जी जरूर, 5-10 मिनट मुझे आप दे दीजिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। ओके थैंक यू। ऑल राइट जी, ये तो थे हमारे रिस्पेक्टफुल डिस्कशन भाई। इसके साथ ही इजी पे ग्लोबल भाई आते और कहते हैं, कीप डूइंग द गुड वर्क ब्रदर, स्मॉल ड्रॉप्स मेक्स द ओशन वन डे। Ex-Muslims around the world now reach 6.5 million subscriptions with 1.3 billion views. Tsunami is coming. Your efforts or effort is bringing change. Your effort is bringing change. And hamare Easy Pay bhai hame respect bhej rahe hain. By the way, main bata chalun, Easy Pay is a global solution jo ke duniya mein kisi bhi jagah pe use kiya ja sakta hai for transferring your money, jo ke ek jagah se dusri jagah kiya ja sake. तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्रियां हैं जो इसके अंदर हैं। इसके लिए एप्पल की एप्पल स्टोर पे ऐप है, गूगल प्ले के ऊपर ऐप है, और ग्लोबल मनी ट्रांसफर का फास्टेस्ट तरीन तरीका है अक्रॉस ग्लोब। सो इजी पे जो है वो आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, हमारे इस भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अपने ही भाई हैं और इनको आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। सो सपोर्ट दिस ब्रदर, we're doing all the transactions through this easy pay. nahi ji, crypto mein nahi hoti, ye dollar ke andar hoti hai. easy pay aapka ek foreign country mein dollar account kholta hai aur uske through aapki transactions hoti hain. so the transactions are done through dollar legal tarike se. to this is easy pay global. arsh bhai jo hain wo easy pay ka link bhi send kar rahe hain live chat ke andar, taki aap logon ko link bhi mil jaye. so support our brother easy pay global.
جو کہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں. ہمیں چاہیے کہ ایزی وے گلوبل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے, اور ہیں بھی یہ ہمارے انڈین بھائی. ٹھیک ہے, سو یو آر سپورٹنگ ان انڈین, سو سپورٹ انڈین, سپورٹ انڈیا بائی سپورٹنگ انڈینس. تھینک یو سو ویری مچ. اور آگے چلتے ہیں. محمد حنیف صاحب. جی حنیف صاحب, کیا حال ہے؟ ہیلو. جی ہیلو سر. مسلمان ہے ابھی تک کے چھوڑ دیا؟ بہت بڑھیا. میں مسلمان تو ہوں ابھی, لیکن آپ لوگ ساحل صاحب سے میں 4 مہینہ پہلے جو ہے ویڈیو میرا سامنے میں آیا, تو جب سے ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں. اوکے ہیلو. آپ نے ویریفائی کیا جو چیزیں ہم دکھاتے ہیں, ساحل بھائی دکھاتے ہیں, آپ نے ویریفائی کیا ان چیزوں کو؟ ہاں بہت سر. میں جی میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے, لیکن میں ہندی اچھا سے پڑھ لیتا ہوں, تو جو بھی آپ لوگ بتاتے ہو تو اس میں سے بہت سارے چیز ایسے ہے جو کہ suna.com میں جا کے میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں, اور وہاں پر بہت سارے چیز ایسے ہے جو برابر بھی نکلتا ہے, اور کچھ چیز ایسے ہے جو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا تو کوئی ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہے. اس جگہ پر جو ہے میں کنفیوز ہو رہا ہوں. نہیں وہ اللہ نہیں ہے نا, یہی تو ہم دکھاتے ہیں. دنیا کو بنانے والا کوئی ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ ہے تو پھر وہ ایسی سٹوپڈ ایڈیاٹک باتیں نہیں کرے گا. اچھا ایسا کیجئے, پہلے یہ بتائیے کہ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں؟ ابھی تو 6 مہینہ ہو گیا, میں جمعہ کا نماز میں بھی نہیں جا رہا ہوں. 6 مہینہ ہو گیا. پہلے میں مدرسہ میں پڑھائی کیا ہوں, مطلب کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے پڑھتے تھے مدرسہ میں, پڑھے تھوڑا بہت حفظ خانہ میں پڑھا. جی تو سر ایسا کرے, ذرا آتا ہے سنا دیجیے اگر آپ مدرسے وغیرہ میں پڑھے ہیں تو. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو سر اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہم جیسے کہ آپ لوگ بولتے ہیں جب ایتھیسٹ ہے یا مطلب کہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی ہمیں, ہم جو انڈیا میں رہتے ہیں حیدرآباد میں, جی اس کے باوجود بھی کیا ہے ہمیں یہی نام لے کر جینا پڑتا ہے. آپ کی مرضی. دوسرا دیکھیں وہ تو ہماری مرضی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا. ایک ایک سوال کرتے ہیں. نہیں سر آپشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم. خیر میں انڈیا میں بھی کر سکتے ہوں گے, دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن نام چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر ون. نمبر ٹو, آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی ایکس مسلم سوسائٹی آف امریکہ ہے, ٹھیک ہے, ایکس مسلم سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, دیٹس ہاؤ دے رائٹ اٹ, ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ. اس کا جو چیف ہے, جو ہیڈ ہے, جو سوسائٹی کا مین چلانے والا کرتا دھرتا ہے, اس کا نام محمد ہے. اور اس نے اپنا نام ایکسپلیسٹلی چینج نہیں کیا. اس نے اپنا نام ایکسپلیسٹلی چینج کیوں نہیں کیا؟ اس لیے چینج نہیں کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نیم ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے, واٹ میٹرز از یور ایکشنز, رائٹ؟ سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نیم میٹر نہیں کرتا. اور اگر آپ کو بہت ہی چل ہے کہ آپ نے نام بدلنا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں, اس کے لیے اوبویسلی ایک پروسیس ہے, لینتھی پروسیس ہے, لیکن آپ نام بدل سکتے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, آپ نے کہا کہ ایکس مسلم. ہاں بولے. نہیں اس میں ایک پرابلم کیا ہے, جیسے کہ میں ابھی میں شادی شدہ ہوں, میرے بیوی ہے, 3 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں. ماحول کے اندر میں جہاں پر کام بھی کرتا ہوں وہاں پر بھی اگر اسی قسم کا کچھ بات اگر کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے غصہ آتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم ان کے چینل سنتے ہو. اور اس سے سننے سے پہلے بھی میرے پاس بہت سارے سوال تھے دل کے اندر میں, جیسے کہ آپ کے سورہ توبہ کے اندر میں جو آیت آئی ہے جو یار محمد کافروں کے بارے میں. محمد بات یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں تو لوگوں کو پتا ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں. اب اگر آپ اسلام چھوڑ دیں گے اور نام چینج بھی کر لیں گے تو بھی انہیں پتا لگے گا کہ آپ مسلمان تھے اور آپ نے اسلام چھوڑ دیا, تو وہ آپ کے ساتھ ویوہار تو ویسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے,
नहीं अभी अगर से मैं छोड़ दिया तो व्यवहार अलग हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम माहौल मतलब कि जो विलेज है वो तो उसमें ज्यादा मुस्लिम लोग तो नहीं है, लेकिन जो मोहल्ले अगर में हम रहता हूँ रहते हैं अगर वहां छोड़ पर तो पूरे देंगे, मुस्लिम ही है, सब लोग हमें मुस्लिम ही हाँ ना, समझते तो वही हैं। ना है ना, वो तो फिर सारे मुस्लिम है ही ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो भाई अगर नाम चेंज करना है तो अगर कोई बंदा बोलता कहता, आप उसे वैसे मुंह से कहते मैंने छोड़ दिया इस्लाम, अगर आप इजीली कह सकते हैं, और अगर नाम चेंज करके भी रहना ही वहीं पे है और कोई कहता नहीं नाम चेंज करो, उसे कभी पैसे दे दो, मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, पैसे तुम लगा दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम कहते हो कि नाम चेंज करो, अव्वल तो नाम चेंज करने का किसी को कहना नहीं चाहिए आपको, नाम आपका है, आपकी मर्जी चेंज करो कि ना करो। मेरे मेरे ठुल्ले को ठंड कि कोई मुझे कहे नाम चेंज करो, मैं कहूंगा मेरे ठुल्ले को ठंड, तू को होता मुझे कहने वाला नाम चेंज करो, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप नाम चेंज भी करते हो और आपका दिल भी चाह रहा है करने का, तो कोई कहता है जबरदस्ती कि जल्दी करो, तो उसे को लाओ ठीक है यार डन, पैसे दो और मुझे ले चलो जहां से चेंज करना, मैं जाके करा लेता हूँ, पैसे तुम लगाओगे मैं चेंज कर लूंगा। नहीं, इसमें भी एक सवाल है ना, इसलिए परेशान हूं मैं अभी। जैसे कि मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि दुनिया के अंदर में अक्सर जो मजहब है, मैं उसके अंदर में और भी जो दूसरे धर्म जो है उसके अंदर में भी मैं गौर फिक्र करता रहता हूँ, तो उसके अंदर में भी बहुत खामियां नजर आता है मुझे बहुत। देखिए अब क्रिश्चियनिस्ट आप के तो बारे में मेरे को उतना नहीं पता है। एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? बोलिए। पता क्या है एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा बेनिफिट? नहीं, वो तो पता नहीं, आप बोलिए। कि एक्स मुस्लिम होने के बाद आपको कोई ये नहीं कहता कि आपने यही चूज करना, कोई आपको ये नहीं कहेगा हिंदू ही बनो, कोई आपको ये नहीं कहेगा सिख ही बनो, नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा क्रिश्चियन ही बनो, कोई आपको ये नहीं कहेगा एथेसी बनो, कोई आपको ये नहीं कहेगा एग्नोस्टिक ही बनो। अगर कोई भी एक्स मुस्लिम आपको जबरदस्ती करता है, हम मुझे पता है एक दो न्यू न्यू एज एथियस्ट हैं जो कहते हैं नहीं एथियस्ट ही बनो, उन डंगरों को छोड़ दें, वो चंद एक हैं आटे में नमक के बराबर डंगर हैं कुछ, उनको छोड़ दें आप, तो एट द एंड ऑफ द डे सर ये अब आपकी मर्जी है, अब आप सर्चिंग की राह पे निकल गए हो, यू आर इन द पाथ ऑफ सर्च, ठीक है, अब आप सर्च पे आ गए हो, सीकिंग पे आ गए हो, ठीक है, जब आप सर्च पे आ चुके हो ना सर, तो वहां पे आप ये मत मुझे बताओ कि यार मैं उस धर्म को पढ़ा है और उसको नहीं पढ़ा, अभी आप सर्चिंग पे हो भाई, तो छोड़ दो बाकी चीजें कि आपको कौन सा सही लग रहा है कौन सा भी गलत लग रहा है, जब सारों को देख लोगे फिर बता देना कि सारे ही बुरे हैं सारे ही अच्छे हैं या आपने कुछ एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, लिहाजा दिस इज नॉट द टाइम, अभी आप सर्चिंग में निकल जाओ, अगर आपने सर्चिंग करनी है सर्चिंग करो, बट अभी आप नाम की बात करते हो ना, तो नाम अगर बदलना है तो इट डजंट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंडली अगर बदलना है तो आपको बड़ा मजबूरी है कि नहीं मैंने बदलना है, तो जो कह रहा बदलो उसे को लाओ यार, पैसे भी तुम लगाओ और सब कुछ तुम लगाओ, और नाम ऐसा रख लो जो कि कॉमन नाम हो, राइट, जो कि कॉमन नाम हो, नहीं, ठीक है। एक चीज और क्या है यहाँ पर। अभी जैसे कि इंडिया के अंदर में भी आपको, जैसे कि कोई भी जो इंसान है वो किसी भी धर्म कोई सा भी मजहब से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, और उसके हिसाब से उनके नाम को जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। भाईजन कल्चर तो को अगर चेंज से करना मैं है ना भाई, यही तो कह रहा हूं ना यार, चेंज करो ना भाई, क्या कर रहे हो यार, कल्चर चेंज करो ना यार, कल्चर कैसे बना है, बिकॉज एक्स मुस्लिम, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्या हुआ, ये मेरी आंखों में नूर कैसे आ गया एकदम से, ये हुआ क्या है हजरत, इज्जत माफ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्या हुआ, गुरुजी हजरते इज्जत माफ साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पधार चुके हैं और हमें पता भी नहीं लगा था, हजरत स्वागत है आपका। अरे थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द वार्म वेलकम, और हमारे सारे दर्शकों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे से होंगे। और अचानक से आज स्क्रीन देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये जो है जिस तरीके से नालायक साहब एक एक शोशा छोड़ते जा रहे हैं, इनको डिबंक करना बड़ा जरूरी है, बड़ा मजा आ गया। सर इतना स्टूपिड जवाब दिया उसने कि मैं दिल कर रहा था कि अब मैं बैठा हुआ था जूती उठा के इसके टीवी में मार दूं, लेकिन वो अलग बात है जूती मुझसे दूर थी और मैं सोफे पे बैठा हुआ था तो जूती मुझसे दूर थी, अगर जूती मेरे पैर में होती तो मैंने जूती उठा के टीवी को मार देनी थी, चाहे मेरा टीवी टूट जाता, वो अलग बात है मैं जूती मुझसे बहुत दूर थी। तो एनी हाउ
साहिल साहब इनके जाने के बाद जाकिर नलायक वाले बात के बाद दो बंदे आए हैं, दोनों ही एक पहले आए, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है, दो साल से हमारे चैनल सुन रहे हैं और हमसे डिबेट करने की खातिर उन्होंने बड़ा वेरीफाई किया चीजों को और हमसे डिबेट करने आना चाहते थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। वो पहले भाई थे, क्या बात ये दूसरे है? भाई आए हैं, क्या बात? ये भी कोई एक साल से इन्होंने आपको सबसे पहले देखना शुरू किया और उसके बाद ये मुझे भी देखे और ये भी आज इस मौके पे है कि उनको समझ नहीं लग रहा और ये पहले कह रहे थे जी मैं नाम चेंज करना पड़ेगा शायद, मैंने कहा यार करो या ना करो आपकी मर्जी है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि यार नाम इंडिया में जितने भी होते हैं वो रिलीजियस के हिसाब से होते हैं, मैंने कहा यार कल्चर है ना भाई, कहता मैंने कुछ भी नहीं अभी अपनाया, तो मैंने कहा नहीं अपनाया तो कॉमन नेम रख लो, और दूसरी बात के रखना ही क्यों है, चेंज ही क्यों करना है,